हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि बॉटम आउट है और रिवर्सल के लिए तैयार है। कभी भी इसमें रिवर्सल हो सकता है। आप इस बॉटम आउट शेयर को स्टडी करके बाइंग के बारे में सोच सकते हो। कंपनी जो है इंडियन मेड फॉरेन निकल बनाती है, जिनका फेमस ब्रांड है इंद्री, जो कि वर्ल्ड में नंबर वन ब्रांड इसको डिक्लेयर किया था। और उसके बाद में कंपनी को काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं और कंपनी ने उसके लिए फंड रेजिंग के लिए QIP भी लॉन्च किया हुआ है। कंपनी का फ्राइडे को रेट था 753 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 911 रुपीज़। कंपनी का RSI अभी ओनली 44 रह चुका है और EPS है कंपनी का बढ़िया 12 का, PE 80 का है और डेट टू इक्विटी रेशो है 0.50। कंपनी अपने 52 वीक हाई 911 रुपीज़ से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और ये बॉटम आउट हो चुका है। इसका कारण भी बताता हूँ, क्योंकि अभी ये शेयर एक तो RSI 44 का है और 50 DMA के सपोर्ट पर शेयर अभी पहुँच चुका है। 50 डेज मूविंग एवरेज के रेट पर शेयर अभी पहुँच चुका है। फ्रेंड्स देखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट, जो क्वार्टर रिजल्ट आया था पिछले साल जून में 11 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 43 करोड़ का प्रॉफिट था और जून 24 में 13 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है क्वार्टर जो प्रॉफिट घटकर आया, इसीलिए शेयर में गिरावट हुई। बट ये शेयर जो है ये जो कंपनी है मेनली बनाती है लिकर, जिनका मेन सीजन होता है दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो ठंडी में लोग ज़्यादा पीते हैं जो लिकर होता है, जिसके कारण इनके दो क्वार्टर बढ़िया आते हैं। बट फिर भी एक बार रिएक्शन इसका नेगेटिव आया और शेयर काफ़ी गिर चुका है। मैं आपको याद दिला दूं कि इनका QIP का रेट है 744 रुपीज़ और अभी शेयर पहुंच चुका है 753 पर, तो यहां से शेयर रिवर्सल लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है। मंडे को शेयर घूम जाए तो आप इसमें घूमने के टाइम पे इसमें एंट्री कर सकते हो। कंपनी का नाम है पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इस शेयर को आप स्टडी करके रिवर्सल के टाइम पर एंट्री कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रॉकेट शेयर या लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीबैगर शेयर चाहते हो तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।